हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे, हमारे पास हमारी क्लास 9th का, ठीक है, जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं, हमारा जो चैप्टर 13 चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज 13.4। ठीक है, आप इसके पहले पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 13.4 के पहले 3 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या दे रहा है। कहना है गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। ठीक है, अब देखिए गुब्बारे की पुरानी त्रिज्या, इसको हम आर लिख लेते हैं, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हवा भरने के बाद गुब्बारे की नई त्रिज्या, ठीक है, इसको बड़ी आर लिख लेते हैं हम, 14 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या कहा है, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, ठीक है, गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हवा भरने के बाद आपके पास गुब्बारा बना और जो पहले गुब्बारा था, उन दोनों ही स्थितियों के अंदर आपको उनका अनुपात ज्ञात करना है कि क्या रहेगा। इसमें आपके पास देखें पहले क्या था, 4πr² त्रिज्या हमारी ये थी, और बाद में त्रिज्या कितनी होगी, 4π r² 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, त्रिज्या r हमारी 7 × 7 और बड़ी त्रिज्या 14 × 14। 7 × 7 7 × 14, 7 × 7 7 × 14, तो 1/4 आ गया। तो मतलब हमारे पास अनुपात क्या बन गया हमारा, ठीक है, 1:4, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या कह रहा है करने के लिए, कहना पित्तल से बनी एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, ठीक है, अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दिया हुआ है आपको, अर्ध गोलाकार, ठीक है, अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, मीन अंदर की तरफ का व्यास की बात कर रहा है, ये कितना दे रहा है हमें, 10.5 सेंटीमीटर। अगर आप दशमलव हटाते हैं तो बटा में 10 लगा लेंगे और 5 से कटने पर ये 21/2 सेंटीमीटर बन गया आपके पास। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, आर इसका आधा कर देंगे, 21/2 का आधा आपने किया, 21/4 सेंटीमीटर। आगे आपको कह रहे हैं यदि सोलर पे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करें, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का आज क्या हो जाएगा, 2πr², क्योंकि कटोरी है तो इसकी छत पर तो कुछ लगा नहीं होगा ना, इसलिए वक्र का फॉर्मूला यूज होगा यहां पर हमारे पास। तो आगे देखेंगे इसकी कैलकुलेशन में, 2 πr² का मान 22/7, आर आपको 21/4 गुना में 21/4 दी गई है, 7 × 21 3 पे कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 2 पे कट गया, 2 से कट के आपके पास ये 11 आ गया। ठीक है, अब यहां से गुना करें, 21 × 63 63 को हमने 11 से गुना करना है, 3 × 9 = 6 693/4 आपके पास कितना है, 4 693/4 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हमें इस पर खर्चा पता करना है कि कितना खर्चा आया होगा। ठीक है, खर्चा पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हम इसकी दर देखेंगे, दर क्या दे रहा है आपको ये, ठीक है, दर कितनी दी है इन्होंने, 16 रुपये, ठीक है, 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो कलई करने की, ठीक है, कलई करने की कुल लागत वो क्या हो जाएगी आपकी,
क्षेत्रफल कितना है आपका 693/4, 693/4 गुना में 16/100, 4 से इसको गुना कर देंगे 4 आ जाएगा, बटा में 100 आपके पास है ही, ठीक है, इतने रुपये बनेगा। अब इनकी गुना करें, 4 3 12, असल 1, 4 9 36, 36 और 1 37, असल 3, 4 6 24, 24 और 3 27, बटा में 100 के कारण पीछे से 2 अंक छोड़कर 2 7, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, ठीक है, 27 रुपये 72 पैसे आपके पास आपका ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमें क्या कह रहा है करने के लिए, ये कहना उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसमें हमें क्या कह दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा है जिसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां आपको पास जो छठा क्वेश्चन है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है आपको, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रहा है 154 वर्ग सेंटीमीटर, और गोले के पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r², ठीक है, तो r^2 154/4π, दूसरी तरफ ले गए हम तो 154/4 गुना में 22/7, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब इनको काटते हैं हम, 11 2 22, 2 पे कट गया, 11 पे कट के 11 एकम 11, 4 बचेगा 44, 11 चौके 44, फिर 2 से काटते, 2 एकम 2, 7 दुनी 14, ठीक है, तो 47 49/4, आपको क्योंकि वर्ग दिया गया तो 49 7 का वर्ग हो गया, 4 2 का, तो ये क्या हो गया 7/2 का वर्ग, तो आर त्रिज्या कितनी होगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन्होंने क्योंकि हमसे त्रिज्या ही पूछी थी, अगर व्यास पूछा गया तो हम इसका डबल करते, अब इन्होंने क्योंकि त्रिज्या पूछी थी इसलिए हम त्रिज्या को ही लिखेंगे हमारे पास, ठीक है, आर हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी 7/2 सेंटीमीटर, अगर आप दशम में बदलना चाहें तो 7 को 2 से भाग कर देंगे, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर, आगे देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ठीक है, मींस उसका चौथा हिस्सा है, तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का चौथा हिस्सा है, और व्यास देखें मैं मान लेता हूं अगर चंद्रमा की त्रिज्या आर मान लूं, ठीक है, तो उसका जो व्यास है वो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, और ये क्या है पृथ्वी, चंद्रमा की बात कर रहा हूं पृथ्वी के चौथा हिस्सा, तो इसका चौथा हिस्सा क्या हो गया 8r, ठीक है, किसका व्यास पृथ्वी का, तो हम इसलिए इसको 8r मानकर चलेंगे क्वेश्चंस को, आप r भी मान लेंगे x भी मान लेंगे तब भी आपके लिए क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो बटा में अक्षरों को बचने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा और कुछ नहीं। कैसे मैं आपको बताता हूं, दोनों ही तरीकों से आपको करके दिखाता हूं, माना पृथ्वी का व्यास, ठीक है, माना पृथ्वी का व्यास, ये जैसे हमने सोच लिया स्पेशल 8r कर लिया, ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसलिए चंद्रमा का व्यास इसका क्या चौथा हिस्सा 1/4, 4 को इससे काट दिया, 2 2r हो गया, ठीक है, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या हमें क्या करना है व्यास का आधा कर देंगे 4r होगी, उसके बाद चंद्रमा की त्रिज्या, ठीक है, कि चंद्रमा की त्रिज्या क्या बनेगी, चंद्रमा का व्यास कितना 2r, इसका आधा कर देंगे हमारे पास कितनी होगी r, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है हमें, ठीक है, अब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसके अंदर हमें ये चीज का खास ध्यान रखना है कि हम किस चीज को ऊपर लिखेंगे और किसको नीचे लिखेंगे, अगर आप दोनों में से अगर अपोजिट भी कर लेते हैं तो स्पेशल मेंशन करके जरूर चलें, ठीक है, फिर उससे आपकी गलती नहीं रहेगी, वो आपका जो भी लिखा हुआ होगा वो सही होगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि इन्होंने चंद्रमा क्वेश्चन के अंदर देखिए चंद्रमा शब्द पहले है तो चंद्रमा को ऊपर लिखे, पृथ्वी शब्द बाद में है तो पृथ्वी को बाद में लिखे, ठीक है, उस चीज के कारण चंद्रमा व पृथ्वी के पृष्ठीय
क्षेत्रफल का अनुपात आपने यहां पर किया, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी वृत्त के रूप में ही है, सॉरी गोले के रूप में ही है, इसलिए फॉर्मूला 4 पाई, त्रिज्या इसकी कितनी है आर की घात 2, और पृथ्वी की 4 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है 4 आर की घात 2। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर की घात 2, 4 का वर्ग 16, आर की घात 2 कट गया आपके, एक 1/16, तो अनुपात कितना आ गया 1:16। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। क्लियर। अब अगर इसी क्वेश्चंस को आपने 8 आर यहां पर ना मानकर, आपको नहीं जानकारी कि हम किस प्रकार से करेंगे, तो क्या लास्ट में ये हमारा यही आंसर बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में हम विचार करते हैं। मान लेते हैं पृथ्वी का जो व्यास है आपने एक्स मान लिया, ठीक है, आपने क्या किया पृथ्वी का जो व्यास है उसको ये ना मानकर क्या मान लिया, एक्स माना, तो चंद्रमा का व्यास इसका चौथा हिस्सा मीन्स x/4 हो गया, तो पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का व्यास x है उसका आधा x/2 बन जाएगी, और चंद्रमा की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है व्यास कितना x/4 उसका आधा, तो x/8 हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपके पास ये पोर्शंस नहीं कर रहे आप, ठीक है, इस पोर्शन को आपने कैंसिल कर दिया। तो यहां से आपकी कैलकुलेशन फॉर्मूला तो यही चलेगा, ये यहां तक, ठीक है, सिर्फ यहां से आगे आपकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। 1/16 अनुपात आ रहा है, देखते हैं क्या वास्तव में इस तरीके से भी 1/16 अनुपात आता है या नहीं आता, ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। 4 पाई, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है x/8, x/8 का वर्ग बटा में 4 पाई, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है x/2, ठीक है, इसका वर्ग, 4 पाई से 4 पाई कट गया, x का वर्ग x की घात 2, 8 का वर्ग 64 बटा में x का वर्ग x की घात 2, 2 का वर्ग 4, क्योंकि बटा में है, बटा के बटा दिया गया तो ये आपको ऊपर जाके पलट जाएगा, x की घात 2 कट गया आपस में, 4 एकम 4, 16 चौके 64, 1/16 मीन्स 1:16, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको एक्स मानकर क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है, या बिना एक्स माने आप, मतलब कि 8 आर मानकर कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को जो आपने यहाँ पर बटा में किए, ठीक है, पौन में अक्षर दिए गए थे आपको, आपने उनको इजी बनाने के लिए थोड़ा सा सोचा ही है, और कुछ नहीं है। आप अगर एक्स मानकर या अकेला आर मानकर भी कुछ कर शुरू करते तब भी आपके पास इस क्वेश्चन बिल्कुल सही होना था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर हमें क्या दे रहा है ये, ठीक है, हमें कह रहा है एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इस कटोरे का आंतरिक व्यास त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके अंदर देखिए आपको अलग से ही काम नहीं रहा है, अर्ध गोलाकार, ठीक है, अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, सॉरी आंतरिक त्रिज्या दे रहा है आपको, व्यास नहीं, कितनी दे रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और कटोरे की मोटाई, कटोरे की मोटाई कितनी दे रहा है 0.25 सेंटीमीटर, किस प्रकार से मींस इस तरह का गोला है कटोरा आपके पास मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक अर्ध गोलाकार कटोरा है आपके पास, इस तरह से, ठीक है, जो आंतरिक त्रिज्या है वो आपको 5 दी गई है, और जो हमारे पास ये बाकी पोर्शन बचा हमारा, ठीक है, यहां आपके पास ये कहीं प्रकार से, ठीक है, इसकी जो मोटाई है हमें 0.25 सेंटीमीटर दी गई है, हमें क्या करना है इसके बाहरी पृष्ठ के बारे में कहा गया ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कटोरे का बाहरी वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कटोरे की बाहरी त्रिज्या ज्ञात करेंगे,
तो इसके लिए आंतरिक त्रिज्या के अंदर बाहरी त्रिज्या बड़ी आर से लिख लेते हैं, इसकी मोटाई को जोड़ देंगे। अब यहां पर हमारे पास देखें पांच के साथ दशमलव में कुछ नहीं है, तो पांच आपका जीरो के अंदर ऐड होगा, पांच दशमलव, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद कोई अंक नहीं थे, तो 5.25 सेंटीमीटर। आप इन दशमलवों को हटाना चाहें, ठीक है, तो बटा में दशमलव के बाद दो अंक है तो 100 लगा देंगे, ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब इनको हम काट लेते हैं, 25 चौके 100, 4 पे कट गया, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25 में 21/4 सेंटीमीटर आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका बाहरी पक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है, इसके बारे में लिखेंगे हम। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोलाकार है, क्योंकि 2πr^2, क्योंकि बाहरी निकाल रहे हैं इसलिए बड़ी त्रिज्या का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। कैलकुलेशंस करते हैं, 2 × 22/7 त्रिज्या हमारे पास 21/4 × 21/4, 7 एकम 7, 7 21 पे 3 पे कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2 पे कट गया, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22 11 पे कट गया, ठीक है। तो अब इनकी गुना करेंगे, 21 से 63, 63 को 11 से गुना किया, 693/4 हमारे पास कितना है, 4 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 693/4 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसकी पॉइंटों में कैलकुलेशन करना चाहें तो पॉइंटों में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, 693 को आप 4 से भाग कर देंगे, ठीक है, आपके पास आपकी पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है, 693 को 4 से भाग करना है, 4 एकम 4, ठीक है, 2 ऊपर से 9 उतारा 7, 4 7 28 7 पे चला गया आपके पास, ठीक है, 1 ऊपर से आपने 3 उतारा 4 3 12, ठीक है, 1 बचा, क्योंकि अब आपके पास आगे अक्षर नहीं है, तो दशमलव लगाकर हम 0 0 कर लेंगे, ठीक है, दशमलव आ जाएगा, तो 0 उतारी आपने, 4 दूनी 8 2 पे चला गया, फिर 2 बचा, फिर 0 उतारी, 4 5 20, ठीक है, आपके पास 5 आ गया, तो कितना हो गया, 173.25 वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का, क्लियर। आगे देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमें क्या कह रहा है ये, उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें कह रहा है, एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं आकृति के अंदर आपको दिखाया भी गया है, ठीक है। इसमें देखें आपके पास क्या चीज है, एक बेलन दिया गया है आपके पास, ठीक है, एक बेलन दिया गया पूरी तरह, और उसके अंदर पूरी तरह से फिट एक गोला दिया गया आपको, ठीक है, आपको जैसे आकृति के अंदर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, कहना है एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखें आपको गोले की त्रिज्या दे रहा है, ये गोले की त्रिज्या आर, ठीक है, तो आपके पास जो बेलन के अंदर है, ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी बनेगी आपके पास, वो देखेंगे, बेलन की त्रिज्या, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये गोले के अंदर पूरी तरह से फिट है, तो बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर में गोले की त्रिज्या की होगी। इस प्रकार से कोई भी चीज किसी पर आरोपित की गई हो, ठीक है, या उसके अंदर फिट की गई हो, तो दोनों की जो त्रिज्या है वो हमेशा बराबर ही रहती है, ठीक है। और उसके बाद बेलन की ऊंचाई देखनी है हमें, बेलन की ऊंचाई वो क्या बनेगी, बेलन की ऊंचाई आपके पास यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी, ये क्या हो गया एक प्रकार से गोले का व्यास हो गया, ठीक है, गोले का व्यास, और गोले का व्यास क्या होगा, त्रिज्या का डबल मींस 2r, ये हमारे पास हमारे बेलन की ऊंचाई होगी, जिसको आप एच से लिख सकते हैं, ठीक है। हमने बेलन की त्रिज्या निकाल ली, बेलन की ऊंचाई निकाल ली, गोले की त्रिज्या निकाल ली, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो देखते हैं। पहला भाग, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 4 × π × त्रिज्या का
वर्ग। त्रिज्या क्योंकि आर है आपके पास, तो 4 पाई आर की घात 2 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब दूसरे भाग में देखिए आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहा है इन्होंने। हमें कह रहे हैं बेलन का, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन के वक्र क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि बेलन एक ऐसी आकृति है, ठीक है, जो हम जिसे जस्ट लाइक ए प्रिज्म की तरह आकृति कह सकते हैं, जिसका फर्श और छत एक जैसा है, ठीक है, और ऐसी आकृतियों का जो फॉर्मूला रहता है वक्र पृष्ठीय का, वो क्या होता है, आधार का क्षेत्र, आधार का परिमाप, आधार क्योंकि वृत्ताकार है 2 पाई आर हो जाएगा, और गुणा में ऊंचाई h, ठीक है। अब 2 पाई आपके पास है, त्रिज्या r है, और ऊंचाई h का मान कितना है हमारे पास, r का मान क्योंकि r ही है, और ऊंचाई h का मान कितना है 2 r, तो हम इन दोनों की गुणा करेंगे, हमारे पास 2 दुनी 4 पाई r गुना r r की घात 2, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा भाग, उसमें क्या कह रहे हैं, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात किस प्रकार से, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, 4 पाई आर की घात 2, और बेलन का कितना है, 4 पाई आर की घात 2, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r की घात 2 से r की घात 2 कट गया, तो क्या बचा, 1/1, मतलब 1:1, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 9th के थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और हमारी जो एक्सरसाइज है 13.4 वो कंप्लीट हो जाती है। और इसके साथ ही एक छोटा सा क्वेश्चन जो प्रॉब्लम के तौर पर मैंने वैसे पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स पूछे थे कि किस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, उनके बारे में वो समझा रहा हूँ दोबारा कि कैसे करना है आपको। उदाहरण नंबर 10, ठीक है, जो आपकी डिमांड के ऊपर आपको दोबारा करवाए जा रहे हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने मीटरों को सेंटीमीटर में बदला था, इन्होंने जो नीचे दी गई दर है, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया हुआ है, मेरे और इनके करवाने के मेथड में चेंजिंग हुई, तो उसी कारण आप काफी कंफ्यूज हुए, ठीक है। इसमें देखिए आपको जैसे आकृति दिखाई दे रही है कि मकान के ऊपर आपके पास, ठीक है, मकान के ऊपर आपके पास एक अर्धगोलाकार है, जैसे जस्ट लाइक एक हमारे पास हम मस्जिद या गुरुद्वारे के अंदर देखते हैं, या किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर, या कोई हमारे पास पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो किले हैं, ठीक है, उनके अंदर नीचे आपकी जो एक कमरा बना होता है और ऊपर की तरफ एक अर्धगोलाकार गुंबद बना होता है, ठीक है, हमारे पास, तो उसी गुंबद के अंदर की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास उसी तरह से देखें किस प्रकार से, जैसे इन्होंने क्या कहा है, कहना किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, इस पर पेंट किया जाना है, यदि इस गोले अर्धगोले के आधार की परिधि, किसके अर्धगोले के आधार की परिधि, ठीक है, आधार की परिधि ना लिखकर इसको लिखेंगे, अर्धगोले के आधार की परिधि, अर्धगोले के आधार की परिधि, ठीक है, आधार की परिधि कितनी दे रहा है आपको, 17.6, ठीक है, मीटर दे रहा है आपको। आप इसको सेंटीमीटर में बनाना चाहें तो यहीं से बना ले, दशमलव डाकर 10 गुना में 100, 0 से 0 कट गया, 1760 सेंटीमीटर, ठीक है, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो यहां से आपकी आर मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी, ठीक है, उसकी कैलकुलेशंस करेंगे, 1760/2 पाई, 1760/2 पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 11 दुनी 22, 11 से काट दें इसको, 11 एकम 11, 6 बचा, 6 और 6 66, 11 छिके 66, 0 का 0, 2 दुनी 4, 4 से कट जाएगा, 4 चौकी 16, ठीक है, 4 0 का 0, 4 सते 28, 280 सेंटीमीटर हमने ये किया है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने किया हुआ है कि 5 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इन्होंने सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए, तो 5 गुना 100 गुना 100, ठीक है, आपके पास वर्ग मीटर बनाने के लिए ये कर लिया, 100 से 100 कट गया, ठीक है, तो आपके पास 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर आया, जो इन्होंने बुक में किया हुआ है, ठीक है, यहां इसको मीटर को चेंज नहीं किया, हमने ऊपर ही चेंजिंग कर दी, क्योंकि जो दर दी गई है उसी हिसाब से हमने अपनी यूनिट चेंज कर दी, ये दर आ गई हमारे पास। अब इसका क्या करना है, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अर्धगोल है,
हमारे पास कोई भी गुंबद बना होता है उसके अंदर का भाग फर्श उसका कुछ नहीं है, फर्श क्योंकि आपकी जो ये बिल्डिंग है ठीक है नीचे की तरफ बनी हुई इसके अंदर कवर हो गया है। आपके पास यहाँ के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो वो इस प्रकार से इसके ऊपर कवर हो गया है ठीक है। तो उसका फॉर्मूला 2πr/2 हो जाएगा, 2 × 22/7 × 380 × 280 7 × 28 चार पे कट गया 0, 2 0 आपके पास हो ही जाएगा वर्ग सेंटीमीटर ठीक है। और इनकी कैलकुलेशंस करेंगे हमारे पास कितना बनेगा, इनकी गुणा करने पर हमारे पास 49 28 ठीक है। आपके पास ये आ गया 49 28 4,92,800 वर्ग सेंटीमीटर, और इन्होंने दर दी हुई आपको 5 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल लागत क्या हो जाएगी, जितना भी आपको एरिया कवर करना है और गुना में दर 2 0 से 2 0 कट गई, 4,928 को आप 5 से गुना करेंगे 24,640 ठीक है रुपये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर ओके ठीक है। इस प्रकार से कोई भी आपकी प्रॉब्लम रहती है, मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हो ठीक है, वो प्रॉब्लम में पेंडिंग हो या द्वारा कंसेप्ट ना समझ में आया हो या किसी एक पॉइंट की अड़चन आ रही हो, तो आप उनके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं ठीक है, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है 9541 2 ठीक है 077 34 विजय बंसल ठीक है। इस प्रकार से मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व आउट कर सकता हूँ ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें ठीक है, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज करें या YouTube के चैनल पर ही कमेंट करें ठीक है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।